दोस्तों, एंटरटेनमेंट जगत में आज अगर किसी ऐसी अभिनेत्री का नाम सबसे पहले लिया जाता है जो आप अपनी काबिलियत और खूबसूरती की बदौलत सबकी पसंदीदा बनी हुई हैं, तो उसमें मौनी रॉय का नाम तो आता ही आता है, जिन्होंने अपने हर एक शो और सीरियल और साथ ही फिल्म के साथ अपनी पॉपुलैरिटी डे बाई डे बढ़ाई है। यही वजह है कि आज इनके चाहने वालों की संख्या बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार से भी कहीं ज़्यादा है और इनकी हर एक अदा के वो दीवाने हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपनी फेवरेट अभिनेत्री मौनी रॉय के बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा बातें अब तक जान ही गए होंगे, लेकिन अभी भी इनके बारे में ऐसी बहुत सी बातें और चीज़ें हैं जिन्हें आप बेहद अनजान हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके करियर, फैमिली, लव अफेयर्स और कुछ हिट टीवी शोज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो फिर चलिए, देर किस बात की है दोस्तों, बिना वक्त गवाए रूबरू हो जाते हैं इनके उन्हीं अननोन फैक्ट से। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इस दमदार अभिनेत्री के लिए वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। और बॉलीवुड जगत की मशहूर अदाकारा मौनी रॉय का जन्म 28 सितंबर 1985 को वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में हुआ था। जिनकी शुरुआती पढ़ाई तो यहीं से पूरी हुई है, लेकिन इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है। वहीं बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2006 में स्टार प्लस पर प्रसारित हुए मोस्ट पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से सपोर्टिंग रोल निभा कर की थी, जिसके बाद इन्हें मेरी आशिकी तुम सही और दो सहेलियां जैसे कई सीरियल्स में काम करने का गोल्डन चांस मिला। लेकिन इन्हें इनकी असल पहचान मिली कलर्स के सुपर नेचुरल शो नागिन के साथ, जिसमें नागिन का किरदार निभा कर ये एक घरेलू नाम बन गई थी। इनकी इसी पॉपुलैरिटी ने इन्हें साल 2018 में आई फिल्म गोल्ड में मेन लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाने का मौका दिया। इस तरह इन्होंने बड़े पर्दे पर भी अपना कदम रखा। वहीं आज भी इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को सक्रिय रखा हुआ है और अब जल्द ही ये ब्रह्मास्त्र फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाती हुई नजर आने वाली है। करियर के बाद अब बात कर लेते हैं मौनी रॉय के परिवार की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मौनी रॉय पश्चिम बंगाल के एक हिंदू बंगाली परिवार से ताल्लुकात रखती है, जिनके इस परिवार में ये, इनके माता पिता और इनके एक छोटे भाई शामिल हैं। शुरुआत कर लेते हैं इनके पिता से, जिनका नाम अनिल रॉय है, जिनकी तस्वीरें तो इंटरनेट पर काफी कम अवेलेबल हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक इनके पिता पेशे से कूच बिहार जिला परिषद के एक ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट रहे हैं, जो कि आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। पिता के बाद अब बात कर लेते हैं इनकी मम्मी के बारे में। तो आपको बता दें कि इनकी मम्मी का नाम मुक्ति रॉय है, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ साथ एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, और यही वजह है कि अपनी मदर के थिएटर आर्टिस्ट होने के चलते ही मौनी रॉय को भी एक्ट्रेस बनने की इच्छा जागी। माता पिता के बाद अब बात कर लेते हैं इनके भाई के बारे में, जिनका नाम मुखर रॉय है, जो कि इनसे छोटे भाई हैं और इसीलिए अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। लेकिन बावजूद इसके इनके भाई और इनके साथ एक काफ़ी खूबसूरत बॉन्ड शेयर करती हैं, जो कि अक्सर इन दोनों भाई बहनों की तस्वीरों में भी साफ जाहिर होता है। प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो यूं तो खबरें हैं कि अभिनेत्री जल्द से जल्द ही दुबई बेस्ड बैंकर सूरज नाम्बियार से शादी रचाने जा रही हैं, लेकिन उनसे पहले इनका कई मशहूर शख्सियतों के साथ इनका लव अफेयर रह चुका है, जिनमें पहला नाम आता है टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा का, जिनके साथ ये लंबे समय तक लव रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। लेकिन आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों ही अलग हो गए थे, जिनके बाद इनकी जिंदगी में एंट्री ली मोहित रैना ने, जिनके साथ इन्होंने देवों के देव महादेव सीरियल में साथ काम किया और उसी शो में साथ काम करते हुए ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन मोहित के मम्मी नहीं चाहती थी कि मौनी रॉय उनके घर की बहू बने, जिसके चलते दोनों का ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और दोनों ही ब्रेकअप कर अलग हो गए थे। मोहित के बाद इनका नाम ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन इन्होंने उन सभी बातों को मात्र एक अफवाह बताया था, क्योंकि ये तो दुबई के बैंकर सूरज नाम्बियार के साथ लव रिलेशन में रही हैं, जिनके साथ अब ये जल्द ही शादी करने जा रही हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं इनके कुछ हिट टीवी सीरियल्स और शोज के बारे में, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, देवों के देव महादेव और नागिन जैसे कई नाम शामिल हैं, जिसके चलते आज ये न सिर्फ टीवी की ज़्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई हैं, बल्कि इन्हें टीवी शोज की बदौलत फिल्मों में भी अभिनय करने का मौका मिला। तो दोस्तों, आपका मौनी रॉय की इन अनजान बातों के बारे में जानकर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।